हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाइंस के कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। फॉर विच पॉइंट, ये पॉइंट ये दिया हुआ है पी, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन का टुकड़ा है भाई, मैंने बना लिया ये लाइन का टुकड़ा। इस लाइन के टुकड़े पे एक पॉइंट पी, ठीक है, और पॉइंट पी की वैल्यू क्या है, ए बाई थ्री कोमा टू, ठीक है। फिर बोल रहा है जॉइनिंग द पॉइंट्स, जॉइनिंग पॉइंट्स एक क्यू हो गया और एक हो गया आर। क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, -5/-5.4 एंड -1.0। ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनका मिड पॉइंट ये है। तो देखो, मिड पॉइंट निकालने का सीधा फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। हम जब भी एक्स, इसको एक्स मान लें, इसको वाई, तो एक्स और वाई अगर मिड पॉइंट हैं कि नहीं दो पॉइंट्स के, तो दोनों एक्स की वैल्यूज को ऐड करके टू से डिवाइड कर देते हैं तो उसके इक्वल आता है। तो -5 + -1/2 इक्वल टू एक्स, और एक्स में एक्स की वैल्यू क्या है, ए बाई थ्री। इधर मैं लिख देता हूँ ए बाई थ्री, उधर मैंने इनको सोल्व किया तो ये हो गया -6/2। ए को इधर ही रखता हूँ और बाकी वैल्यू -6/3/2, ठीक है। 2 3 6 और 3 3 9, -9 आ गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -9। एक नंबर का क्वेश्चन है, इस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस। तो देखो, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो ये एक्स जीरो हो जाएगा और वाई की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। एंड बी हैज कोऑर्डिनेट, और बी भी कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, -3 और 1। तो -3 साइड में आएगा एक्स की वैल्यू और 1 सपोज करो यहाँ पे ये पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो ए ये हो गया, बी हो गया, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करो। तो एक पॉइंट ये और एक ये, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 - x1 इसका स्क्वायर और प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, हम -3 और -x क्या हो गया, 0 इसका स्क्वायर, और प्लस 1 - 5 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 3 9 और माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि दो बार माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये हो गया 9 और इधर कितना बचा, हमारा कितना बचा इधर, 4, 5 में से 1 गया, तो 4 4 जा 16, बीच में प्लस था ये 16 हो गया। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 25। 25 की वैल्यू क्या होती है, 5, यानी 5 यूनिट डिस्टेंस होगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको ग्राफिकली भी सोल्व कर सकते हैं वो, अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल बना के और फिर ये पाइथागोरस से ये डिस्टेंस हो रही है इस तरीके से, ठीक है। फिर एक नंबर का क्वेश्चन था तो हमने ऐसे सोल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नंबर का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कई बार सोल्व नहीं करना पड़ता, देखने से ही समझ में आ जाता है। तो अगर MCQ टाइप का है एक नंबर का, तो देखो आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना क्वेश्चन में है क्या। बोल रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए, एक पॉइंट दे दिया हमें, ठीक है, फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ। तो देखो, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से। अब देखो, ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव हैं, यानी एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की 12, तो एक्स की 5 इधर होगी और वाई की 12 इधर, यानी ये पॉइंट हमारा लगभग इधर आ गया, ठीक है, यानी 5 और 12। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वही हुई ना, यानी x एक्सिस पे ये 0.5 है, तो ये 5 डिस्टेंस होगी। और ये क्या है हमारी y एक्सिस, तो y एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 5 होगी, होगी कि नहीं होगी, तो हम सीधा 5 लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, समझ गए। एक आंसर, एक नंबर आपका पक्का, टाइम भी बच गया। और अगर आप बोलो कि हमें तो सोल्व ही करना है, काफ़ी बच्चे आते हैं तो हम तो सोल्व करके ही निकालेंगे, ठीक है, तो सोल्व करने में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अगर 2 या 3 या 5 नंबर का आ जाए, तो आपको किस तरीके से करना है। तो देखो, ये जो पॉइंट है ये हमारी है 0.5, और ठीक है, ये वाई एक्सिस, वाई पे कितना हो गया 0 और 12, तो 0 12 से और 5 12 का डिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है, 0 - 5 + 12 - 12 होल स्क्वायर, ठीक है। और सोल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 25 + 0, यानी 5 यूनिट, ठीक है। सोल्व करना है तो ऐसे करो, और डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, ठीक है, आपका एक नंबर पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इतना। हम एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल का सेंटर हो गया 3.4, ठीक है, और एक पॉइंट हो गया, रेडियस कितनी है 7।
यूनिट रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ए। कोई ए पॉइंट है, अब वो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, 5.8 ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो हमें बताना इसकी पोजीशन कहाँ है, अंदर है, बाहर है या सर्कल के ऊपर है, तीन पोजीशन हो सकती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इनकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अगर डिस्टेंस 7 से ज़्यादा आ रही है तो क्या है, बाहर है, और 7 से कम आ रही है तो सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 5-3 पहले वाला एक्स का स्क्वायर और प्लस 8-4 इसका स्क्वायर, 8 ये रहा 4 ये रहा 5 ये रहा 3 ये रहा 5-3 यानी एक्स एक्स माइनस कर दिए और वाई वाई माइनस कर दिए, उनका स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ, कितना आ जाएगा, 2 2 4 और यहाँ 4 4 16, 16 और 4 कितना हो गया, 20। अगर 20 को वेरी न्यूमेरिकल वैल्यूज में आप निकालोगे तो 2√5 आएगा, ठीक है। तो 2√5 किससे कम है कि ज़्यादा है, 2√5 तो कम है, ठीक है ना, 5 यानी हाफ होता है, ढाई ढाई, तो मतलब 7 से कम रहेगा। आप अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना 5 की वैल्यू निकाल के, तो ये 7 से कम रहेगा, तो ये कम रहेगा तो क्या हो गया, द पॉइंट लाई इन द सर्कल, पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो चार ऑप्शंस में अगर ऑप्शन है कि पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, तो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, ये हो गया आपका एक नंबर पक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई बोल रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 4 0 0 और 3 0। देखो इसको समझने के लिए हमें पैरामीटर निकालना है, हम पहले सिंपली एक डायग्राम बना लेते हैं। तो एक वर्टिसेस तो इधर हो गया 0 0 वाला, ठीक है, एक 3 0, 3 यानी पहला x और दूसरा y, 3x की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और यानी ये y की 0 हो गई, तो x एक्सिस पे, और दूसरा 0 यानी y एक्सिस पे है, मतलब ये पॉइंट, क्योंकि x 0 है, और 0.4 तो 4 यहाँ पे हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गई 4, ये हो गई 3, पॉइंट क्या हो गया 0 और 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, पाइथागोरस से कितनी आ गई, 5, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, 4 3 और 5 आएगी, हाइपोटेनियस बड़ा है तो इन दोनों से बढ़ाना चाहिए यानी 5, तो पैरामीटर कितना हो गया, 4 + 3 + 5 कितना हो गया, 5 4 9 और 3 12, ठीक है, सिंपल मेथड है ये। अगर आप बोलो हमें सोल्व करना है, अगर बड़ा क्वेश्चन है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे ये, फिर निकालेंगे ये पाइथागोरस उससे डिस्टेंस फॉर्मूले से, और फिर इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट है ए, दूसरा बी और सी, तो पहले ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर प्लस करेंगे इसमें बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला से प्लस ए सी, ठीक है। आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो, क्योंकि मैं एक नंबर का करा रहा हूँ तो मैंने तो आपको डायरेक्ट समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो भाई इसमें क्या बोल रहा है, टू लोकेट ए पॉइंट क्यू ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। मैं पहले एक लाइन सेगमेंट बना देता हूँ ए बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसके बीच में कोई पॉइंट है क्यू, ठीक है। टू लोकेट ए पॉइंट क्यू ऑन ए लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट, इस तरीके से लोकेट करो कि बी क्यू और ये वाला जो है, देखो बी क्यू इक्वल टू आएगा 5/7 इंटू ए बी, इस तरीके से। अगर मैं ए बी को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, बी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू 5/7। अब बी क्यू कौन सी है, ये वाली, अगर मान लो ये 5 है, ठीक है, इसके हिसाब से, तो ए बी, ए बी पूरी है, ये कितनी हो गई 7, बी क्यू 5 है तो ये 7 है, अगर 7 में से मैं 5 माइनस करूं तो ये कितनी बच गई, 2। तो बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट इन विच ए बी इज डिवाइडेड। तो ए बी डिवाइड करने वाला लाइन सेगमेंट यानी क्यू, इनका रेशियो क्या होगा, यानी ए क्यू रेशियो क्यू बी कितना होगा, तो ए क्यू कितना है 2 और क्यू बी कितना है 5, सिंपल, 1 मार्क्स पक्का, ठीक है। देखो समझाने में भी टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको आता है, सोल्व करना आ गया, तो आप और जल्दी करोगे। मैं अभी यहाँ पे कराता हूँ तो मेरे को बोलना पड़ता है और समझाना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम कंज्यूम होता है। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो उसमें और टाइम बचेगा आपका, ठीक है। तो ये बिल्कुल सा सिंपल मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये मैंने वाई एक्सिस बना ली और ये हो गई एक्स एक्सिस, दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है तो इधर होगा ये पॉइंट, ठीक है ना, -4 और -7, जैसे कि मैंने क्वाड्रेंट में बताया था, इधर दोनों प्लस, इधर x माइनस का हो जाएगा, यानी पहला माइनस और y पॉजिटिव रहेगा, और इधर दोनों नेगेटिव, ठीक है ना, और इधर कौन सा होगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, यानी पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों माइनस के हैं, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बोल रहा है फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस ये रही, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस,
ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें इसकी निकालनी है। तो वाई पॉइंट क्या है यहां पे, कितना है -7, और एक्स पॉइंट क्या है -4। तो सपोज करो ये यहां पे होगा कहीं पे, ठीक है, तो वाई ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी -7, और एक्स वाली ये वाली कितनी होगी -4। अब देखो ये यहां से ये यहां तक डिस्टेंस कितनी है -4, तो डिस्टेंस जो है वो माइनस में तो होती नहीं, यानी इस साइड में 4 पॉइंट इस साइड में है, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 4 सीधी डायरेक्टली, ठीक है। और अगर हमें निकालनी पड़े तो हम बाई पॉइंट्स निकाल देंगे, ठीक है ना। कैसे, यहां पे ये 0 हो गया भाई, एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 हो गई और वाई की कितनी हो गई -7, एक पॉइंट ये हो गया और ये वाला हमें दिया ही हुआ है, तो इस पॉइंट से हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, तो भी 4 ही आएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला से देखिए, तो 0 -4 एक्स की वैल्यू और प्लस -7 + 7 और इसका स्क्वायर, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 का आ जाएगा 4। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हो गया और ये डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से करेंगे। तो ये मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन कराए हैं एक एक नंबर के। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या आप कुछ और चाहते हैं जो सॉल्व करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है, या आप हमें व्हाट्सएप पे भी अपना क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम आगे फिर वापस से एक एक नंबर के क्वेश्चंस के साथ आपके साथ जल्दी मिलते हैं। हम कोशिश में हैं कि आपको बहुत अच्छे स्कोर दिला पाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।